सर पे आप नहीं देख रहे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो क्लास है बेटा, सो दैट इज रिलेटेड टू सेलेजेनेला। ठीक है, इससे पहले हमने वो पढ़ा था, लेकिन आज जो क्लास है बेटा, जो ये रिलेटेड है सेलेजेनेला से। सेलेजेनेला को बेटा हम क्लब मोसिस आर स्पाइक मोसिस बी बोलते हैं, कि इट इज द क्लब मोस आर द स्पाइक मोस। ठीक है, तो सेलेजेनेला जो है बेटा ओवरऑलली, सो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, They write a detail or comprehensive note on club moss or the spike moss. तो इससे मुराद क्या होंगे बेटा? सेलेजेनेला होंगे। ठीक है बेटा, आपने अब बेटा इस सेलेजेनेला को हम आते हैं इनकी टेक्सोनॉमिकल पोजीशंस पे, के व्हाट इज देयर टेक्सोनॉमिकल पोजीशंस। मोस्टली बेटा ये जो टेक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ सेलेजेनेला है, सो इनकी डिवीजन क्या है? लाइकोफाइटा है, ठीक है, और लिडियोफाइसिडा है, जो अडर है सेलेजेनेलिस है, फैमिली सेलेजेनेलिएसिए है, एंड जेनस सेलेजेनेला है। ये जो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में नजर आते हैं, सो दैट इज द सेलेजेनेला। ये क्या चीज़ है बेटा? ई सेलेजेनेला है। अब बेटा इस सेलेजेनेला को हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इन हैबिटाट के, वेयर इज दिस सेलेजेनेला लिव्स एंड हाउ दे आर स्प्रेड। ठीक है, ये कहाँ पे स्प्रेड हुए या इनकी हैबिटेट किस तरह है? सो कॉमनली हम इनको क्लब मॉसिस भी बोलते हैं। सो दी इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, सो दीज आर द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो एबंडेंटली जो ट्रॉपिकल रीजन होती है, या हमारे पास जो शेडी प्लेसेस हैं, तो इस शेडी प्लेसेस में क्या है सेलेजेनेला के डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं? मोस्ट कॉमनली जो इनकी स्पीशीज है बेटा, सो दीज आर द सेलेजेनेला कैलिसोनिया। ये आप लोग देख रहे हैं, सो दीज आर द सेलेजेनेला क्लिसोनिया। ये आप लोगों को नजर आएंगे इस डायग्राम में, ये हमारे पास सेलेजेनेला की एक कॉमनली स्पीशीज है। इनकी वेजिटेटिवली मार्फालोजी पे आते हैं, इनकी वेजिटेटिवली मार्फालोजी किस तरह है? तो इनकी बॉडी है बेटा, तो इट इज मेड फ्रॉम द स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट से मेड है। मोस्टली इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेटा, तो ये हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में? रूट्स आते हैं, स्टेम्स होती है, लीव से, लीव्यूल से, ठीक है। तो आप वेजिटेबल या मार्फोलॉजिकली पोजीशंस होती है, सो दे आर डिफरेंशिएटेड। ये इसमें डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अपने माइक को क्लोज करें, माइक को अप करें बेटा। और रूट्स पे आते हैं कि इनकी जो रूट्स किस तरह है। सो द रूट्स ऑफ यंग स्पोरोफाइट्स इज अ प्राइमरी रूट, व्हाइल अदर आर एडवांटेजियस। ये जो रूट्स है बेटा, तो यंग स्पोरोफाइट्स हैं प्राइमरी जो रूट्स। ये माइक ऑफ करो, डिस्टर्ब हो रहे। अप करे बेटा, माइक को अप करे। ठीक है बेटा, ये जो एरियल रूट्स होते हैं, सो दिस एरियल रूट हैज डेवलप, इसमें कैप्स हैं, कुछ इसमें कैटलाइज एपिडर्म सील्स होती हैं, नॉट सो देयर इज द एंट्री सील, मीन इट इज एंटर इनटू द सॉइल। तो इस बेसिस पे हम लिख देते हैं कि इन इंटर सॉइल, मीन इनकी जो राइजॉइड्स होती है या जो राइजोफोर्स होती है, सो दिस राइजोफोर इट इज बिलो ऑन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर होते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिस आर द स्केच ऑफ द रूट, इनकी जो रूट्स होती है लाइक अ लीव से यहाँ पर, एंड दिस आर द राइजोफोर्स। ठीक है, ये भी रूट्स है। सो ये जो राइजोफोर्स है बेटा, सो इट इज एंटरिंग टू द सॉइल, जो सॉइल रीजन होती है बेटा, इस सॉइल रीजन को ये एंटर्स होते हैं। ठीक है, स्टेम्स जो है बेटा, सो मोस्टली इनकी जो स्टेम है बेटा, ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है, शॉर्ट एरिक ब्रांचेस बन जाती हैं। ऑल्सो ये जो क्या होते हैं बेटा, इसमें डाइकॉटिमसली अरेंज है। Also, we can say these are the pseudomorphodia, means के these are the false growth हैं, one finds पे, and इनकी जो shoot apex होती है, so the shoot apex is a single cell, means इनकी जो stems है बेटा, mostly हम इनको बोलते हैं कि these are the erect branches हैं, कुछ इसमें greens होते हैं, also pseudomorphodia इसमें present हैं,
दीज आर दी लिकोमोटरीज में मीन्स पाल्च ग्रोथ बन जाते हैं, आल्सो जो शूट अफेक्ट्स होती है, सो दीज आर द सिंगल सेल्स है मोस्ट केसेस में, ठीक है। राइजोफोर्स क्या चीज है बेटा, ये जो राइजोफोर है सब स्पीशीज ऑफ दिस लिजिनेला, सो दीज आर द लीफलेट्स है, कलरलेस ब्रांचेस होती हैं, प्रोस्टेट स्टेम्स बनते हैं इसमें, आल्सो डाउनवर्ड टू द ग्रोथ्स होते हैं, ग्रोथ ऑफ द एडवांटेजियस रूट, और हम इनको राइजोफोर्स बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि इनके जो ब्रांच है तो ये ब्रांच क्या है, रूट आर स्टिल अदर कंसिडर द ऑर्गन फॉर द प्रोटेक्शन और अदर फंक्शन, मीन्स कि इनकी जो सम साइंटिस्ट का ये बिलीव्स होती है कि इस रूट्स को हम कंसिडर करते हैं कि ये एक ऑर्गन्स होते हैं और ये जो ऑर्गन है तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है या कुछ अदर फंक्शन होती है, तो इस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस राइजोफोर को यूज करते हैं। बट रिसेंटली जो एडवांटेजियस रूट्स हैं, सो दीज आर नोन इज द डाइकॉटमस ब्रांच, मीन्स ये जो डाइकॉटमस ब्रांच होती है, इस डाइकॉटमस ब्रांच की जो टेप रीजन है, मीन्स जो टेप रीजन होती है, तो इस टेप रीजन पे क्या होते हैं, दिस राइजोफोरस इज आल्सो फॉर्म, फिर ये जो राइजोफोरस है बेटा, सो इट इज स्केटल ऑन द साइल, ये जो साइल सर्फेस है इसमें ये स्केटल डाउन होती है। लीव्स पे आते हैं बेटा, ये आप लोग देख रहे हैं, दीज आर द लीव्स, ठीक है, कि ये इनके लीव्स होते हैं, ये ओवरऑल क्या है बेटा, दीज आर द लीव्स हैं, सो माइक्रोफिल इसमें प्रेजेंट है, लीव्स आर स्मॉल है, सिंगल बेंड है, एंड देयर आर टू टाइप्स, आइसोफेलस है एंड इन आइसोफेलस है, ठीक है। अब जो इन आइसोफेलस है लीव्स होती है, सो दीज आर फेयर इन शेप्स, मीन्स के इट इज अ स्मॉल भी हो सकते हैं, डार्सल भी हो सकते हैं, आल्सो इट इज अ लार्जर इन साइज, जो स्मॉल है दीज आर इंसर्टेड ऑन द डार्सल साइड ऑफ द स्टेम, जो स्टेम की जो डार्सल साइड होती है ना, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, स्मॉल इनोसोफेलस प्रेजेंट होते हैं, जो लार्जर है दीज लीव्स आर इंसर्टेड ऑन द वर्टिकल साइड ऑफ द स्टेम, जो वर्टिकल साइड ऑफ द स्टेम है तो वहां पर लार्जर प्रेजेंट होते हैं। लिगुल्स क्या चीज है बेटा, लिगुल दीज आर द स्मॉल आउटग्रोथ आर एडिशनली साइड अपर साइड, मीन ये जो स्मॉल आउटर फिंगर होती है, या हम बोलते हैं कि इट इज अ प्रोजेक्शन लाइक फिंगर, इस प्रोजेक्शन लाइक फिंगर क्या करते हैं, एक आउटग्रोथ होती है, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ये इनका काम क्या होती है बेटा, प्रोवाइड वाटर, इसमें जो वेस्टल ऑर्गन होती है विस्टाजल, तो इनको ये प्रोवाइड करते हैं, लाइक अ लीफ है स्लेजिनेला की, ये हमारे पास क्या है स्लेजिनेला, तो इट इज द मेड्रब्स होती है, यहाँ पर ये क्या है, दीज आर द प्रोजेक्शन लाइक फिंगर, इस प्रोजेक्शन लाइक फिंगर आर स्मॉल आउटग्रोथ फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं, ये दीज आर द लिगुल्स, ठीक है। इनके एनाटॉमी पे आते हैं, सो बेटा इसमें इनकी स्टेम एनाटॉमी होती है, स्टेटल एनाटॉमी होती है, लीफ एनाटॉमी है एंड रूट एनाटॉमी है, ठीक है, सो ऑल ऑफ देम इट इज रिलेटेड टू द स्लेजिनेला। स्टेम जो एनाटॉमी होती है, सो इसमें एपिडर्म्स होते हैं, सो दिस एपिडर्म इट इज अ थिक एपिडर्म्स होती है, थिन वॉल्स होती है, आल्सो इट इज अ रेक्टेंगुलर सेल्स है, एंड दिस रेक्टेंगुलर सेल इट इज कवर्ड विद अ क्यूटिकल। कॉर्टेक्स जो है बेटा, दे हैव द मेनी लेयर्स, आउटर जो लेयर्स होती है, टू टू फोर थिक वॉल्स होती है, और हम इसको हाइपोडर्म्स बोलते हैं। बिलो द थिक वॉल पैरेन्काइमा जो है बेटा, दे हैव द क्लोरोप्लास्ट, अब इसमें क्या होते हैं बेटा, दे हैव द स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, यहाँ पर इनका मतलब क्या है, स्ट्रोमेटा है, कि दे हैव द स्ट्रोमेटा, तो स्ट्रोमेटा के जरिए से इसमें वाटर जो है ना ये एंटर्स होते हैं, सेंट्रल जो पोर्शंस होती है, सो इट इज कॉर्टेक्स बाय द कैविटी हैविंग ईयर स्पेसेस, ये जो ईयर स्पेसेस है मोस्टली बेटा, सो दीज आर द कॉर्टिकल्स रीजन। एंडोडर्म्स, the corticals and certain tissues is connected by readily elongated cell, isme elongated cells hote hain, is elongated cell ko bhi hum bolte hain ke these are the tubulate, tubulia ya tubulate, theek hai, so yaha par jo jo contain capsulinary straps hoti hai ya tubules leader hoti hai, so it is modified into the endoderm cell, ye aap log dekh rahe hain, so it is ye stems hoti hain, stem ki anatomy hai, overall slegenella ki, theek hai, ये भी आप लोग देख रहे हैं, सो इट इज आल्सो द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम्स है। स्टेटल सिस्टम जो आते हैं, सो दीज आर द पेरिसाइकल, अब जो कि ये पेरिसाइकल्स है तो मोस्टली इट इज अ सिंगल लेयर्स होते हैं, एंड दिस सिंगल लेयर्स में वास्कुलर बंडल्स होती हैं, और ये जो वास्कुलर बंडल है लाइक अ जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या होते हैं, देयर आर फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ सिलियरी सेल, इसमें सिल भी सेल्स होती हैं, एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल आर एब्सेंट, फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम कम्प्लीटली, जितने भी ये जाइलम्स होते हैं ना,
तो ये क्या करते हैं फ्लोएम, सो कंप्लीटली जाइलम से ये सराउंडेड है, ठीक है। जाइलम जो है सो इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, ये किस चीज में प्रेजेंट होती है, सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होती है, जो इनके सेंट्रल रीजन आते हैं तो इसमें ये प्रेजेंट होती है। एंड दीज आर द प्रोटोजाइलम है इसमें एंड मेटाजाइलम है। प्रोटो जो जाइलम है बेटा, तो ये दोनों साइड ऑफ द मेटाजाइलम को कवर करते हैं, ठीक है। जो मेटाजाइलम है सो इट इज द मेजॉरिटी ऑफ जो कि स्टील रीजन होते हैं, तो इस मेजॉरिटी ऑफ स्टील रीजन को ये क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। ये फर्दर लिट्रीकाइट पेरेन्काइमा सेल एंड इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन फाइबर इसमें एबसेंट, फाइबर जो है इसमें एबसेंट है। अभी जो फाइबर जब एबसेंट होती है तो इनकी जो एक्टिविटीज होती है ये कौन परफॉर्म करते हैं, इनकी जो एक्टिविटी बेटा दीज आर द प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम, ये इसमें परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लें, दैट इज द प्रोटोजाइलम एंड इट इज द मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम है, ठीक है। राइजोफोर से जो बेटा, तो ये राइजोफोर, दिस राइजोफोर इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है, ये इनके पोजीशन के बेसिस पे इन्हें नेम दिया गया है या इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको जो है ना नाम दिया गया है, ठीक है सना बेटा? यस सर। ओके बेटा, राइजोफोर जो है सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द एपिडर्मिस, ठीक है। इट इज अ थिक वॉल इन सिंगल लेयर्स, बीनीथ द एपिडर्मिस द कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। अब जो कि ये कॉर्टेक्स है तो हम इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर दी थिक वॉल लेयर, ये थिक वॉल्स हैं, ठीक है। फर्दरली इसमें हाइपोडर्म्स भी है, थिन वॉल भी है, इनरमोस्ट लेयर भी है। जो हमारे पास हाइपोडर्म्स है दीज आर द थिक वॉल, जो थिन वॉल है पेरेन्काइमा रीजन होते हैं, इनरमोस्ट लेयर्स होती है तो दीज आर द एंडोडर्म्स। तो इसी तरह जो थिन वॉल पेरेन्काइमा सेल है सो इट इज प्रेजेंट अराउंड द वास्कुलर टिश्यू, इसमें वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। जो वास्कुलर टिश्यूज है तो इस वास्कुलर टिश्यू से ये सराउंडेड है। जो स्टील है बेटा, सो दीज आर द प्रोटोस्टील्स, मींस के जाइलम इज द सेंटर एंड फ्लोएम सराउंड द जाइलम। ये जो सेंटर्स में होते हैं बेटा, जाइलम प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लोएम्स होती है सो इट इज सराउंडिंग द जाइलम, ठीक है। ये लीफ एनाटमी आप लोग देख लें, ये इनकी लीफ एनाटमी है बेटा, आपको नजर आ रही है कि दीज आर द लीफ एनाटमी। जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है तो इसमें प्रेजेंट है, मींस के देयर इज दीज आर द अपर एपिडर्मिस। ये क्या चीज है बेटा, ये अपर एपिडर्मिस है एंड इट इज द लोअर एपिडर्मिस, तो इसमें अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों प्रेजेंट है। अब बेटा इसमें जो के वन सेल्स है सो इट इज अ थिक, और इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, दे हैव द क्लोरोप्लास्ट। जो स्टोमेटा है बेटा, सो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ये स्टोमेटा यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। आल्सो बिलो द एपिडर्मिस देयर इज मेसोबियल टिश्यूज having thin wall parenchyma cell and it contains the chloroplast. जो vascular tissues है बेटा, this vascular tissue it is present on the center. ये जो center region है बेटा, इसको इसमें vascular bundle present है। ये जो आपको नजर आ रहे, these are the intracellular spaces. ये वाले भी intracellular spaces, ये भी intracellular spaces, ये भी intracellular spaces. These are the visible cells. ठीक है, तो जो phloems होते हैं बेटा, so these are the few sylvia cells in many parenchyma. वस्कुलर जो बंडल्स होते हैं सो इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर फॉर्मिंग बंडल शीट्स, तो इनसे बंडल शीट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिग्रिड्स देख ले बेटा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है मैंने आप लोगों को बता दिया था, कैट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एक लीव से सो इट इज द लीव एपेक्स है, इट इज द मेड्रिप्स है, दीज आर द लिग्रिड्स है, ठीक है। ये हमारे पास ये लिग्रिड की एक स्केच होते हैं। रूट एनाटॉमी है बेटा, सो आउटर मोस्ट लेयर जो है इट इज एपिडर्मिस, मीन दे आर द सिंगल सेल एंड इट इज कवर्ड बाय अ क्यूटिकल। जो रूट हेयर है इट इज आल्सो प्रेजेंट एंड अराइज फ्रॉम द एपिडर्मिस, बीनीथ द एपिडर्मिस वाइल्ड रेंज ऑफ द कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। लाइक इसमें आउटर एंडोडर्मिस है बेटा, एंडोडर्मिस भी, आउटर हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस भी है, सिंगल लेयर पेरेन्काइमा सेल भी प्रेजेंट है, प्रोटोस्टील इज द नेक्स्ट एंड जाइलम इज सराउंडेड। ये जो स्केच आपको नजर आ रहे, so these are the cuticle and jo next layer hai these are the epiderms hai and these are the metazylums hai beta, ye jo central position mein these are the metazylum, also they have the cortex, aur ye jo hai beta, ye jo aapko nazar aa rahe jo iski metazylum se jo surrounded hai to inhe hum bolte hai ki these are the pericycle, theek hai। is pericycles ke baad jo other layers hote hain ye jo aapko small small pores nazar aa rahe, so these are the endoderms। इसके दो एंडोडर्म्स के बाद फिर हमारे पास फ्लोएम्स होती है, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा इसमें ये भी आप लोग देख रहे हैं, सो इट इज आल्सो द स्केच ऑफ द स्लेजिनेला, ये भी स्लेजिनेला की एक स्केच है। नाउ कम टू द ये इनकी बेटा हमारे पास हेलोस्टील्स है, कीनोस्टील्स है, पेक्टोनोस्टील्स है, प्रोटोस्टील्स है, ये सारे इसमें क्या इंक्लूड है। बेटा स्लेजिनेला की रिप्रोडक्शंस पे आते हैं, स्लेजिनेला की जो मोस्टली रिप्रोडक्शंस है बेटा, तो हम इनको कंसिडर करते हैं कि इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनेला, ठीक है। मीन्स कि दे हैव द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होती है, सो बोथ दे हैव द गैमेट्स, मीन्स इसमें गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट। सम जो स्पीशीज होती है बेटा, सो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स के सेक्सुअली एंड वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन इसमें टेक्स प्लेस होती है। अब जो स्पोरोफाइट्स, इस स्पोरोफाइट को हम कंसिडर करते हैं कि वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, मीन्स के ये जो स्पोरोफाइट्स है ये वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में आते हैं। अब जो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन है, तो एक तो एडवांटेजियस ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब जो एडवांटेजियस ब्रांच इसमें ट्यूबुलर प्रोड्यूसिंग है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अकेले अनफेवरेबल कंडीशन अच्छे होंगे तो इसमें जो के वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन है, सो दीज आर द टेक्स प्लेस। अब इसमें इस तरह के रेस्टिंग बर्ड्स होती है एंड दिस रेस्टिंग बर्ड इट इज प्रेजेंट ऑन द एरियल ब्रांचेस में प्रेजेंट है, सो दीज आर सराउंडेड बाय अ ल्यूज एंड कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। अब इसमें सुटेबल कंडीशन होते हैं, और ये जो सुटेबल कंडीशन होती है जब इसमें रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होते हैं, सो इट्स फॉर्म अ न्यू प्लांट, फिर इनसे एक न्यू प्लांट बन जाती है जब इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा टू प्रोसेस होती है, एक को हम बोलते हैं दीज आर द माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स, मींस के इसमें एक तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, दूसरा इसमें माइक्रोस्पोर्स। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंसीडर करते हैं कि दीज आर द हेटरोस्पोरस, कि ये हेटरोस्पोरस है, ठीक है। आपको यहां पर डायग्राम्स नजर आ रहे हैं, सो दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। स्पोरेंजियोफोरस स्पाइक्स जो है बेटा, ये जो स्पोरेंजिया इसमें प्रोड्यूस होती है ऑन द एक्सियल लीव्स के, तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर द स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब जो कि ये स्पोरोफिल्स है, सो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द स्ट्रोबिलाई एट द एंड ऑफ द शूट, शूट की जो एंड पोजीशंस आते हैं, तो इस एंड पोजीशंस पे क्या होंगे बेटा, वहां पर कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। इस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को फिर हम बोलते हैं कि दीज आर द स्पोरोफिल्स। ये जो स्पोरोफिल्स है बेटा, स्ट्रोबिलाई इट इज अरेंज्ड जस्ट लाइक ब्रैकेट्स इन जो स्पर्म्स प्लांट्स में होती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियोफोरस स्पाइक। हम इनको इसलिए बोलते हैं बेटा कि इसमें जो कि स्टेबलाइज होती है, सो इट्स अरेंज इन द ब्रैकेट फॉर्म, ब्रैकेट फॉर्म में ये अरेंज होते हैं, तो इस बेसिस पे हम इनको स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक्स बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजियोफोर है, सो दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया है, दे आर स्मॉल है, स्टाक है, ओवल है, आर वेरिंग इन शेप्स है। मेगा जो स्पोरेंजिया है बेटा, सो इट इज अ स्टाक आर फोर ल्यूब्स, लार्जर इन साइज एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्टेबलाइज स्पोर्स एंड अ लार्जर साइज। दोनों जो है बेटा कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स है, एक स्पोरेंजिया वाल से, दूसरा इसमें क्या है स्पोरेंजिनोरस टिश्यू से। टेप्टिम जो डिवेलप्स होते हैं बेटा, इट इज डिवेलप एट द इंटीरियर लेयर्स ऑफ द स्पोरेंजिया वाल, both different in size locations and they release spores both sporangia from the vertical and left side, these are vertical positions hoti hai, to is vertical position se beta ye release hote hai, theek hai। sexual reproduction, these means that these are the gametophyte hai, so gametophyte mein microspores and macrospores develop into male and female gametophyte, means ke isme beta two types of gametes bante hai, ek isme male gametes hoti hai, dusra isme female gametes hoti hai, jo generations hoti hai, so it is within the cell of the sporangia, sporangia ke jo cells hoti hai to is cell ke andar ye process hai, jo male gametophytes hoti hai to inse takriban 13 jo ke cell stage hoti hai, 13 cell stage release hoti hai, jo ke female gametophytes hai, so it comes of various stages, ye different stages mein aate hai, matlab ye beta ke jo female gametophyte hai to ye bhi stages mein aate hai, inke 13 stages hoti hai, जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं तो इनकी भी डिफरेंट स्टेजेस होती है एंड इट डिपेंड अपॉन ऑन देयर स्पीशीज, ये फिर इनकी स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं कि कौन से इस तरह के स्पीशीज हैं कि इसमें गैमेटोफाइट स्टेज आते हैं। माइक्रोस्पोर जो है बेटा, सो दिस माइक्रोस्पोर आर वेरी माइन्यूट इन साइज एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0.01 टू 0.05 मिलीमीटर है, एंड देन आफ्टर जो सेपरेशन होती है, सो दीज आर द टेट्राल्स होती है, मींस ग्रेजुअली
ये इसमें सब स्फेरिकल शेप्स आते हैं। ये जो स्पोर्स होती है बेटा, स्पोर ऑफ द वाल्व होती है, देयर आर टू लेयर्स, एक आउटर है दूसरा इसमें इनर है। जो आउटर है तो हम इनको एक्सोस्पोर बोलते हैं, जो इनर है बेटा दीज आर द एंडोस्पोर्स है, ठीक है। मेगा जो स्पोर्स है बेटा, सो इट इज लार्जर इन साइज। ये जो माइक्रोस्पोर्स है इनसे ज्यादा लार्जर होती है, इनके जो साइज 1.5 से लेकर 5 मिलीमीटर तक है बेटा। एंड ऑल्सो दे हैव द ट्रेडिशन शेप्स, जो ट्रेड्राट शेप्स हम बोलते हैं, ये भी है। क्यों? बिकॉज दीज आर द स्फेरिकल अनसेपरेशन वाल ऑफ द मेगास्पोर जो होती है बेटा, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ द सुब्रिकेटेड एक्सिम्स होती है, मीन दे हैव द मेडल मेसोस्पोर्स होती है, थिन मेसोस्पोर्स होती है, साइटोप्लाज्म जो है बेटा, एंड दे हैव द रिजर्व फूड मटेरियल। और ये जो रिजर्व फूड फॉर्म्स होती है, सो इट इज फॉर्म इन द ऑयल एंड नाइट्रोजीनियस मटेरियल, दे हैव द नाइट्रोजीनियस मटेरियल। कुछ इसमें केमिकल एनालिसिस भी है। अब जो कि ये केमिकल एनालिसिस है, सो इट इज स्टोर इन द मेगास्पोर्स ऑफ स्लेजनेला, ठीक है। आल्सो दे हैव 48% इसमें पैट्स हैं, 0.43% इसमें नाइट्रोजीनियस मटेरियल है, 1.26% इसमें कुछ अदर सा मिनरल मटेरियल्स है, ठीक है। ये देख ले बेटा, सो दीज आर द मेगास्पोर एंड दीज आर द माइक्रोस्पोर्स। ये आपको यहाँ पर कम्प्लीटली नजर आएंगे कि हमारे पास मेक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। सो आज के आज से ये रिलेटेड था बेटा, मोस्टली जो हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्या था, स्लेजनेला का एक टॉपिक्स था, और इस स्लेजनेला को टॉपिक को हमने डिटेल पे यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास तो सिर्फ इस डे पे वन डे क्लास पे है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कल भी आप लोगों की क्लास ले लूँ, ठीक है। मे बी कि आप लोग के मिड टर्म एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक से अनाउंस हो गए, तो इस बेसिस पे बेटा कल भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की क्लास कल भी ले लूँ। कल आप लोग किस टाइम फ्री हो बेटा? सर पूरा दिन है, लेकिन क्लास देखेंगे सर इसी टाइम। ओके बेटा, इंशाल्लाह कल टाइम से आप लोग और भी क्लास लूंगा, ठीक है बेटा। 12 बजे, ठीक है सर। 12 बजे सर, कल 12 बजे इंग्लिश की क्लास है, 12 से 1 बजे तक। क्या होंगे कल, कौन से टाइम पे फ्री? सर मैंने इसको बताया भी, लेकिन ये नहीं मान रहा बेटा, सबको इसमें अलाउ, जो भी क्वेश्चंस होंगे। सर ये कौन यार इतनी लंबी लंबी सांस ले रहा है? ये कौन है? हाँ ना यार, डरा रहे हो कसम से। कौन कौन ऑनलाइन हो बेटा? 9 स्टूडेंट्स सर ऑनलाइन जो है ना, मैं हूँ सुहेल, सना परवेज, अलिशबा, सवेरा ऑनलाइन है, निगत ऑनलाइन है, अब्दुर्रहमान ऑनलाइन है। सर ये इसका कोई अटेंडेंस का कोई इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टडी पे, मतलब मार्क्स के लिहाज से? अब्दुर्रहमान भाई आप ये माइक जरा ऑफ करेंगे यार? माइक तो ऑन है बेटा। सर अब्दुर्रहमान बहुत सांस ले रहा है, पता नहीं भाग रहा है क्या, मे बी कोरोना की वजह से वो सांस ले रहे हैं। सर ये अटेंडेंस जो आप लोग लगा रहे हां, अटेंडेंस जो आप लोग लगा रहे हो, इससे हमारे मार्क्स से कोई इफेक्ट पड़ता है? मतलब मार्क्स पे कोई इफेक्ट? सर अली बेटा ये जो ऑनलाइन क्लासेस है तो इसमें लाजमी है अटेंडेंस, ठीक है। तो ये काउंट होंगे बेटा, ठीक है बेटा। अगर किसी का अटेंडेंस 75 से कम आ गई तो फिर उनको इजाजत नहीं होगी कि पेपर देने की। ओके सर, सर ये अब्दुल अजीज जो है ना, ये एजेंसी में इसका नेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, उसने मुझे कॉल की थी। अल्लाह खैर करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज का लेक्चर बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप लोग इनको देख लें। अगर तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, अभी नमाज का भी टाइम है तो आप लोग, ठीक है बेटा।
ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।